नमस्कार दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह दोस्तों अगर आप भी किसी काम चलाओ मिस्त्री के सहारे अपना काम चलाना चाहते हैं तो वो कितना बड़ा नुकसान आपको दे सकता है आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ सबसे पहले दोस्तों ये जो आप डाउन स्लैब देख रहे हैं इसमें क्या गलती की थी मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया है आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं अब दोस्तों ये कॉलम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जितने भी घर होते हैं सारा का सारा लोड बीम पे आता है बीम फिर कॉलम पे ट्रांसफर करता है तो इस तरीके से लोड का ट्रांसफरिंग होता है शॉर्ट में कहा जाए तो कॉलम और बीम के मजबूती से हम किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं चूंकि सारा का सारा लोड इसी में आता है लेकिन दोस्तों कॉलम को बनाने में अगर गलती कर दी जाए तो क्या वो प्रॉपर लोड को ट्रांसफर कर पाएगा जिस चीज के लिए उसको बनाया जा रहा है तो मेरा जवाब तो है बिल्कुल नहीं और आप भी जानते हैं दोस्तों किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है या तो सही या तो गलत सही हो गया अच्छी चीज है गलत हो गया दोस्तों पूरी जिंदगी आप उस चीज को लेकर के चलते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या गलती हुई है आप देख सकते हैं ये जो कॉलम बनाया गया है ना कॉलम में मास्टर रिंग प्रोवाइड नहीं किया गया जब भी दोस्तों कॉलम में कास्टिंग करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों जो छत की ढलाई होती है तो उसके ऊपर एक मास्टर रिंग देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ताकि हमारा जो लोहा है हमारा जो सरिया है वो अपने जगह पर टिका हुआ रहे अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहां जो सरिया है दोस्तों छत ढलाई के वजह से जो छत ढलाया है दोस्तों वो अपने जगह से बिल्कुल हिल गया है खिसक गया है तो ऐसे में दिक्कत क्या आएगा दोस्तों कि आप जब फर्स्ट फ्लोर की तैयारी करेंगे जब अगला तल्ला बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है इस कॉलम को कास्ट किया जाएगा ढाला जाएगा और उस समय आपका जो रिंग है वो इसके जो सरिये हैं उसमें फिट नहीं बैठेंगे और उस समय क्या करेगा कि मिस्त्री आपके जो कॉलम में लगाया गया सरिया है उसको जोगल मार के उसको अपने एक्चुअल जगह में लाएगा और ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि जो कॉलम में लगा हुआ सरिये का स्ट्रेंथ है वो फिर दोस्तों डिसकंटिन्यू हो जाएगा वो फिर कमजोर दोस्तों आपका कॉलम कास्ट होगा चूंकि मान लीजिए कि नीचे से जो कॉलम आ रहा है अगर उसके पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो वो अपना लोड बिल्कुल कॉलम सीधे में ट्रांसफर करता है सीधे नीचे वर्टिकली ट्रांसफर करता है अगर उस चीज में आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपके साथ होगा ये कि आपका कॉलम जितना मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए उतना मजबूती के साथ खड़ा नहीं रह पाएगा और ये चीजें दोस्तों घर बनाने के दो तीन साल में आपको पता नहीं चलेगा जैसे जैसे आपका घर पुराना होता जाएगा जब एक्चुअल में घर की स्ट्रेंथ की जांच करने की बारी तब आती है दोस्तों जब घर आपका पुराना हो यहाँ देखिए कॉलम कास्टिंग किया गया है बिल्कुल दोस्तों बीम भी कास्टिंग किया गया है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कवर का कोई ध्यान नहीं दिया गया है 20 एम mm का कम से कम यहाँ पे कवर होना चाहिए था ठीक है और साथ ही साथ कॉलम के मामले में 40 एम mm का कवर दिया जाता है लेकिन दोस्तों यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी कवर देने की आवश्यकता मिस्त्री ने नहीं सोचा है तो बहुत जल्द इन सरियों में जंग लगने वाला है चूंकि कवर नहीं दीजिएगा एयर में अगर एक्सपोज होंगे सरिये तो जंग लगना दोस्तों आम बात है तो इन सब जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी चीजें बताई जाती है उन सब चीजों को अपने घर पर लागू कीजिए फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद